सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो थोड़ा सा टेक्निकल इरर थी जिसकी वजह से मैं जरा सा लेट हो गया और मैं एक बार लाइव आया था लेकिन आप सभी को दिखा नहीं। तो क्या मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूं और प्रॉपर तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करिए। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी है और मैं काफी दिनों बाद आपसे क्लास लेने आया हूं। ट्रेलर? ठीक। तो फिलहाल अभी आपने क्लास का शेड्यूल वगैरह देख लिया होगा, पाठशाला पूरे नए तरीके से आपको क्लासेस दे रहा है। फिलहाल मैं आपको रीजनिंग के बारे में बात बताता हूँ कि जो बच्चे हो सकता है कि नए हो, जो लोग मेरे दोस्त जो नए आए होंगे यहाँ पर, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एकदम नई शुरुआत करना चाह रहा था, इसलिए मैंने नॉन वर्बल वाला सेक्शन शुरू किया है। अभी हम लोग नॉन वर्बल वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। वर्बल का सेक्शन मैं काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन जैसे ही ये नॉन वर्बल वाला सेक्शन कंप्लीट होगा मैं सर्कुलर फॉर्म में लेते हुए वापस यहीं पर आऊंगा। मतलब यहां से आपको पूरा रीजनिंग का कोर्स कराऊंगा वापस फिर से। अगर आपने नहीं पढ़े हैं या पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे नए सवालों के साथ, नए तरीकों के साथ। तो फिलहाल आज हम लोग नॉन वर्बल शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अगर नॉन वर्बल की बात करें तो चाहे SSC हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, या आज की डेट में कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें नॉन वर्बल आता है या नॉन वर्बल पूछा जाता है, उसमें उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। वेटेज का मतलब ये रहता है कि अगर आप SSC की बात करें तो कभी कभी इसके 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन तो अमूमन आ ही जाते हैं। मतलब मिनिमम 3 आएंगे और मैक्सिमम 5 तक इसके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नॉन वर्बल क्यों रखी गई है, क्या चेक करना चाहते हैं वो नॉन वर्बल से? नॉन वर्बल से वो ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं उनके पास एक ऐसा व्यक्ति ना पहुंच जाए जिसको थोड़ा सा आंकड़े पढ़ने में दिक्कत होती हो। मतलब एक विजुअल डिसेबिलिटी होती है, थोड़ा सा एक दृश्य परिसीमा होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको ये बीमारी है। कुछ लोग इसको अलग अलग नहीं कर पाते कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन में क्या फर्क है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में क्या फर्क है। तो वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो मिसमैच ना कर दें, कोई उनको चेक करने को दिया जाए तो ऐसा ना करें कि वो उसे खराब कर दें और सही ढंग से उन चीजों को चेक ना कर पाए। इसके लिए आपको नॉन वर्बल पढ़ाई जाती है और नॉन वर्बल आपकी चेकिंग की जाती है कि कहीं आपके अंदर ऐसी कोई विजुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है। फिलहाल अब हम लोग नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आज आपको सीरीज पढ़ाऊंगा। सीरीज की क्लास हम लोग 2 दिन लेंगे, फिर 2 दिन बाद हम यहां पर एनालॉजी पढ़ेंगे, यानी कि नॉन वर्बल की एनालॉजी, फिगर की जो एनालॉजी होती है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 क्लास मैं क्लासिफिकेशन की लूंगा, एम्बेडेड फिगर की 1 क्लास लूंगा। 1 क्लास में आपको पर्याप्त मिल जाएगा, एम्बेडेड फिगर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो पर्याप्त हो जाएंगे आपके लिए। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की हम बात करें तो इसके लिए मैं 3 क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद मिरर इमेज की बात करें तो इसमें 2 इमेज आती हैं, एक वर्टिकल मिरर और एक हॉरिजेंटल मिरर। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिरर दोनों को मिला के 2-2 क्लास लेंगे तो ये 4 क्लास हो जाएगी। इस तरह से आपका पूरा नॉन वर्बल का जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करूंगा, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 10 और 4, 14, यानी कि 14 क्लास में आपको पूरी नॉन वर्बल पढ़ा देंगे। और ऐसा नॉन वर्बल आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा है। फिलहाल तो जो भी यहाँ पे ऑनलाइन है उन सभी को, हाँ, इसका PDF मिल जाएगा। अभी मैं एक PDF अभी इसी वीडियो में डलवा दूंगा, एक PDF, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहले सीरीज के बारे में बात करते हैं कि सीरीज नॉन वर्बल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 4-5 फिगर आपको लाइन से दिए जाएंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, उनमें कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसकी वजह से पहला फिगर दूसरे से रिलेट करेगा, दूसरा फिगर तीसरे से रिलेट करेगा और तीसरा फिगर चौथे से रिलेट करेगा। तो आपको बताना होगा अब अगला फिगर कौन सा होगा। ठीक, तो यहां पर सारे टाइप करा देंगे, वाटर इमेज बिल्कुल करा देंगे, आप परेशान ना हो, सारे करा देंगे। ये जो मैंने आपको बोला है ना वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर का होता है प्लेन मिरर, और जो हॉरिजेंटल मिरर होता है यानी कि जो ऐसे होता है उसी को बोलते हैं वाटर इमेज, यानी इसे बोलते हैं कि आपकी इमेज और इसे बोलते हैं वाटर इमेज, प्लेन मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो ये आपकी पूरी पूरी करेंगे, मिरर इमेज दोनों पार्ट करेंगे, आप परेशान ना हो, सारे कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज सीरीज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं लाया हूं मैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन नहीं लाया, मुझे पता है कि आप लोग सब होशियार हो, पढ़ने वाले हो, और इस चैनल पे जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा अच्छी है, उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। जरा देखिए क्वेश्चन एक स्क्रीन पर आपके आ रहा है, आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। आपके पास ये क्वेश्चन फिगर है, एक फिगर है ए, उससे रिलेट करता हुआ फी, बी से रिलेट करता हुआ सी, सी से रिलेट करता हुआ डी, और डी के बाद ई।
आपको बताना है कि अब नेक्स्ट सीक्वेंस फिगर कौन सा होगा, यानी कि अगला फिगर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगला फिगर आप बताइए कि इसमें से एक नंबर होगा, दो नंबर होगा, तीन नंबर होगा या चार नंबर होगा। तो आपको थोड़ा सा जज करने के लिए मैं टाइम दे दे रहा हूं, आपको 10 से 20 सेकंड मिल जाएंगे यहां पर काम करने के लिए। निशांत कुमार, आपका नाम ले लिया है, बहुत दिन बाद आए हो निशांत। तो चलिए शुरू करें और आंसर करने की बात करते हैं, और इसी में जैसे जैसे ये सवाल आते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा देखना क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको देखना होता है रोटेशन। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे, रोटेशन का मतलब होता है क्रम, आपको देखना होता है कि क्रम में क्या परिवर्तन आ रहा है और एक एक चीज पर गौर करना होता है। मान लीजिए आप टैक्स इंस्पेक्टर बन गए और कोई ऐसी कंपनी में आपने रेड मारने चले गए जहां पर एक हार्वर्ड का पढ़ा हुआ सीए था या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ सीए था। अब हम लोग तो ठहरे मतलब नॉर्मल घरों के स्टूडेंट्स और मतलब नॉर्मल स्कूल के पढ़े, हार्वर्ड वगैरह में तो पढ़े नहीं। तो इस तरह का ऐसा कोई वो डेटा बनाएगा, वो अपना टैक्स छुपाने के लिए पूरा डेटा बनाएगा, आपको जो बैलेंस शीट देगा, आपको उसमें से गलती निकालनी होती है, आपको उसमें से टैक्स पकड़ना होता है, इस काम के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो यहां पर वैसा ही कुछ करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा जासूस विजय बनना होगा और थोड़ा सा चीजों को यह समझना होगा कि यह क्या हो रहा है, यहां पर कड़ी से कड़ी को जोड़ना होगा, और जब कड़ी जुड़ जाएगी तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। कुछ लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, देखिए सबसे पहले तो आप फोकस करो इस एरो पर, देख पा रहे हो आप एरो, ये एरो बेचारा ऐसे था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया, निश्चित रूप से ये एरो चला गया है रोटेशन पे 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, ये ऐसे था और अब ऐसे हो गया है, ये बात समझ में आई आपको। तो ये चला गया है, ये एरो आपका कैसा चला गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे चला गया है। फिर अगर हम अगले फिगर की बात करें तो आप देखोगे कि ये वापस कहां चला गया, ये जो था ये वापस आ गया, फिर यहां पर इसने अपने आप को फिर से 90 डिग्री रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और फिर उसके बाद इसने अपने आप को फिर 90 डिग्री रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और अब उसके बाद ये अपने आप को किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये पूरा इसका पैटर्न हो गया। ठीक है, गौर से समझिएगा क्या है कि ये पहले अपने आप को इधर रोटेट करता है किधर, ना 90 डिग्री, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिन की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसको देख रहे हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद इसको रोटेट किया तो ये सीधा हो गया, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, फिर उसके बाद एक क्लॉकवाइज रोटेशन है वो भी 90 डिग्री का, और फिर उसके बाद एक और क्लॉकवाइज रोटेशन है, फिर उसके बाद एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद दो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहां पर अब अगला रोटेशन किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन आना चाहिए, लेकिन अभी यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, फिर एक दो क्लॉकवाइज है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज के बाद अब फिर से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आना चाहिए, तो वो केवल एक ही फिगर में है, वो है ये। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट एंड एरो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। और एक दूसरा तरीका यह भी था कि इसी में ये फिगर का रोटेशन दिखाई दे रहा है, बाकी यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, यहां पे एरो है, यहां पे एरो है, तो ये फिगर का पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखें, हाँ जी देख लिया मैंने, तीनों पॉइंट ऐड है। यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा सा बी वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा है, क्या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अभी दिख रहा होगा। अब आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, आपको इसका आंसर करना है। ठीक, ये देखिए सबसे पहली बात तो मेरे को यह लग रहा है कि इसने अपने आप को वर्टिकली इन्वर्ट किया। वर्टिकली इन्वर्ट करने का मतलब ये कि ये ऐसे छोटा सा बना हुआ है, फिर पहले इसने अपने आप को ऐसे वर्टिकली इन्वर्ट किया, वर्टिकली इन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये छोटा वाला इधर आ गया और ये बड़ा वाला इधर आ गया, और फिर इसने अपने आप को दो पोजीशन शिफ्ट किया। दो पोजीशन कौन सी, ध्यान रखिएगा जब भी स्क्वायर में कोई शिफ्टिंग होती है तो ये हो गई हाफ साइड, यानी कि हाफ साइड का मतलब ये हुआ कि आधी भुजा पर उसने क्या किया, अपने आप को खिसकाया इस तरफ, यानी एक पॉइंट, फिर एक और खिसकाया दो पॉइंट, यानी कि वो अपने आप को दो पॉइंट खिसकाता है। अब ये देखिएगा, अब इसके बाद यहां पर इसने अपने आप को पहले वर्टिकली इन्वर्ट किया है, क्या किया है, वर्टिकली इन्वर्ट, यानी कि अपने आप को उल्टा किया, ऐसे पलटाया, फिर उसके बाद दो पॉइंट अपने आप को खिसकाया, तो इस फिगर पे आ जाएगा।
फिर इस फिगर से देखिए ये यहां पहुंचा है, इसका मतलब इसने पॉइंट चलाया एक, फिर यहां पे आएगा दो और फिर यहां पे आएगा तीन, यानी कि पहले वाले में ये खिंच सकता है एक पॉइंट दो पॉइंट, दूसरे वाले में खिंच सकता है एक पॉइंट दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट, और तीन पॉइंट खिसक कर ये अपने आप को हॉरिजेंटली इन्वर्ट कर लेता है। हॉरिजेंटली इन्वर्ट करने का मतलब ये था ऐसा, अब दिख रहा है ऐसा, इसका मतलब ये हॉरिजेंटली इन्वर्ट। तो दोस्तों यहां पर दो चीजें हो रही है, क्या हो रही है, पहली बात तो वो जब अपने आप को वर्टिकली इन्वर्ट करता है तो दो पॉइंट खिंच सकता है, लेकिन जब अपने आप को वो हॉरिजेंटली इन्वर्ट करता है तो एक दो तीन पॉइंट खिंच सकता है। जरा देखते हैं, अब इसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को वर्टिकली इन्वर्ट करेगा, वर्टिकली इन्वर्ट करने का मतलब ये अपने आप को ऐसे ऊपर की ओर ले जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, और फिर अपने आप को खिसकाएगा एक पॉइंट और यहां पर हो जाएगा दो पॉइंट। तो देखिए वो यहां पर दो पॉइंट पे आया है, यहां पे था तो एक पॉइंट और दो पॉइंट खिसकाया उसने, और अपने आप को कैसा कर लिया था, वर्टिकली इन्वर्ट कर लिया था। फिर आप देखिए वो इस जगह से तीन पॉइंट खिसकेगा, एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट, लेकिन इस बार वर्टिकली इन्वर्ट नहीं करेगा, वो अपने आप को हॉरिजेंटली इन्वर्ट करेगा, यानी कि ऐसा है तो ऐसे पलटाएगा। तो ऐसे पलटाने के बाद देखिए वहां पे यहां पे था वो, यहां से एक पॉइंट चला, दो पॉइंट चला, तीसरे पॉइंट पर आ गया। तो अब आप यहां पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये दो पॉइंट पहले खिसक रहा है, फिर तीन पॉइंट खिसक रहा है, जब ये हॉरिजेंट जब ये वर्टिकली इन्वर्ट होता है तो दो पॉइंट खिसकता है, जब ये हॉरिजेंटली इन्वर्ट होता है यानी कि इस तरह से पलटता है तो एक दो तीन पॉइंट खिसकता है, एक दो तीन पॉइंट खिसका, फिर यहां पर देखिए एक दो तीन, अब तीन पॉइंट के बाद वो दो पॉइंट खिसकेगा, दो पॉइंट खिसकेगा तो एक और कहां आ जाएगा दो, और जब वो दो पॉइंट खिसकता है तो अपने आप को वर्टिकली इन्वर्ट करता है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये ऐसे पलट के बनेगा, तो ये यहां पर ऐसा छोटा सा बनना चाहिए, ये बड़ा वाला ऊपर की और छोटा वाला, तो ये फिगर किसमें है, देखो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, वन, देन द वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, वन इज द करेक्ट आंसर, समझिएगा ढंग से, आ गया है समझ में, क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आई है, अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा ये दो है, ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बताओ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्टार वगैरह है और अगली सीरीज में कौन सा फिगर आने वाला है ये बताना है आपको, उपेश कुमार, ठीक है ले लिया आपका, हाँ उसी के आगे ही कंटिन्यू हुआ है, आप यही समझ लीजिए नंबर बदल गया है, इंसान वही है, पढ़ने वाले वही हैं, सब कुछ वही है। तो फिलहाल अब इसके बारे में बात करें, नॉन वर्बल कंप्लीट करा दूंगा, नॉन वर्बल कंप्लीट कराने के वापस वर्बल कंप्लीट कराते हुए रीडिंग का कोर्स सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट कराऊंगा, पूरा का पूरा आपको पढ़ा देंगे, आप परेशान ना हो। तो जो नए हैं वो एंजॉय करें और जो पुराने हैं वो स्टडी करते जाएं, मतलब पूरा आगे बढ़ते चले जाएं। चलो शुरू करो, नहीं आया ठीक से, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे। इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, दोबारा बता दे, चलो जल्दी से देख लो, तो दोबारा बता रहे के लिए कह रहे हैं काफी सारे लोग। सीधा देखो, ये इसमें दो चीजें हैं, ये वर्टिकली इन्वर्ट कर रहा है, मतलब अपने आप को ऐसे पलटता है, ऐसे पलटने का मतलब ये ऐसा बना हुआ है भाई, ऐसा, और अपने आप को वर्टिकली इन्वर्ट कर लेगा, मतलब ये छोटा वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, बड़ा वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये बना हुआ है। और क्योंकि वो इस पोजीशन पे है, फिगर में वो इस पोजीशन पे था, अपने आप को खिसकाता है एक पोजीशन, आधी साइड यानी कि हाफ साइड यानी कि आधी भुजा, आधी भुजा याद रखिएगा, आधी भुजा यानी एक पॉइंट और दो पॉइंट, तो अपने आप को कितना खिसकाता है, दो पॉइंट। जब अपने आप को दो पॉइंट खिसकाता है तो वर्टिकली इन्वर्ट होता है, लेकिन फिर आप देख रहे हो ये यहां पे था, यहां से कहां पहुंच गया, यहां यानी कि इसने एक पॉइंट ये लिया होगा, दो पॉइंट और फिर ये तीन पॉइंट, तो एक दो तीन, तीसरे पॉइंट पर यहां पहुंच गया, और जब ये तीसरे पॉइंट पर यहां पहुंच गया है तो अभी देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आप इसको देखो, इसके बगल में ऐसे बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, आपको लगेगा इसने अपने आप को मिरर इमेज कर लिया, यानी कि पलट लिया है, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट कर लिया, और हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट करने की वजह से अब ये यहां पर पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है कि अल्टरनेटिव चल रहा है, दो पॉइंट खिसकता है तो वर्टिकली इन्वर्ट करता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दो पॉइंट फिर उसके बाद तीन पॉइंट तो ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट कर लेता है, फिर दो पॉइंट चलेगा तो अपने आपको वर्टिकल इन्वर्ट कर लेगा, फिर तीन पॉइंट चलेगा तो अपने आपको हॉरिजॉन्टल इन्वर्ट कर लेगा, फिर दो पॉइंट चलेगा तो अपने आपको वर्टिकल इन्वर्ट कर लेगा, फिर तीन पॉइंट चलेगा तो अपने आपको हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है, पलटता चला जा रहा है। अब आप गौर से देखो, यहां पर ये था तो यहां से ये यहां पहुंचा है, यानी इसने एक पॉइंट दो पॉइंट और तीन पॉइंट चले हैं और अपने आपको हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट भी किया है। तो अब देखिए तीन पॉइंट के बाद दो पॉइंट चलने हैं, दो पॉइंट का मतलब एक दो, यानी यहीं पर आना चाहिए और यहां पर केवल एक दो फिगर है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना होगा। इसको जैसे ही आप रिवर्स करोगे, इसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करो, सॉरी वर्टिकली कन्वर्ट करोगे, क्योंकि देखिए दो पॉइंट के साथ क्या होना है, वर्टिकली कन्वर्ट होना है, मतलब ये ऐसे पलटना है और ये ऐसे पलटेगा तो कौन सा फिगर हो जाएगा, यही वाला तो होगा, ये सही है, आ गया ये वाला, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर तीन जो लोगों ने देखा था फिर से देख लो, अब यहां पर हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे। दो वाला क्लियर हुआ, दो वाला क्लियर हुआ भाई,
दो वाला क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलो यहां पे आओ। देखो एक्चुअल में क्या है, मेरा तरीका यह है कि आपको कठिन कठिन पढ़ा दो, और कठिन क्या मतलब मॉडरेट लेवल है, कठिन भी नहीं है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। देखो क्या हो रहा है यहां पर, गौर से देखते हैं। मैंने जब इसको गौर से देखा था, मेरे दिमाग में कैसे क्लिक किया था, मैंने ये देखा, ये ऐसा है, 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 लेकिन यहां पर तो सब बदल गए। कौन कौन बदल गया? ये जैसा था वैसा है, ये जैसा था ये वैसा है, ये जैसा था ये वैसा है, लेकिन ये बदल गया। नंबर एक और नंबर दो कितने बदले? एक और दो बदल गए। आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि केवल ये वैसा का वैसा है, मतलब ये जैसा था ये वैसा का वैसा है, बाकी सब बदल गए, यानी कि एक दो तीन चार सबने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया, सबने अपने आप को क्या कर लिया, पलट लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दो पलटे, अब कितने पलटे? चार। फिर आगे जाते हैं, फिर हमने देखा कि ये जैसा का तैसा है, ये जैसा का तैसा है, ये जैसा का तैसा है, इवन ये जो है ये आपका पलट गया है, यानी कि एक ये पलटा और एक ये पलटा। बस दोस्तों यहां पर हमारा काम हो गया, हमने एनालिसिस कर ली क्या कि एक बार दो पलटते हैं, फिर एक बार चार पलटते हैं, फिर एक बार दो पलटते हैं, तो अब कितने पलटने चाहिए? चार। देखो चार पलटे कि नहीं पलटे देखते हैं। ये पलटा एक नंबर, ये भी पलटा दो नंबर, ये भी पलटा तीन नंबर, ये भी पलटा चार नंबर, जबकि ये जैसा का तैसा है, ऐसा ऐसा है, जैसा यहां है वैसा ही यहां है, तो मतलब अब चार पलटे। अब बारी किसकी थी? लॉजिक क्या है? पहले दो पलट रहे हैं, फिर चार पलट रहे हैं, फिर दो पलट रहे हैं, फिर चार पलट रहे हैं, तो अब कितने पलटेंगे? अब दो पलटेंगे। देखो जरा कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें दो पलटेंगे, उससे मैच कराना है अब आपको, अब आपको इसको इससे मैच कराना होगा। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। फिलहाल मैं ये देखूं तो ये जैसा का तैसा है, मैं एक एक फिगर को ऊपर चेक कर रहा हूं, ये जैसा का तैसा है बिल्कुल, अभी हमें दो पलटाने हैं, और ये भी आपका जैसा का तैसा है। देखो उन दोनों, उस फिगर को मैच कराओ, इस वाले फिगर को इस वाले फिगर में, ये तीन चीजों को मैच कराओ, तो जैसे के तैसे हैं। जबकि ये वाला अगर देखोगे तो ये पलट गया है, वो वाला देखोगे तो ये वाला भी पलट गया है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? वन विल बी द करेक्ट आंसर, वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया? ये समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरीके से। तो अभी हमने दो कंसेप्ट सीखे, दो कंसेप्ट ये है कि कभी कभी रिपीटेशन होता है और कभी कभी चीजें पलटती चली जाती हैं, यानी अपनी सिचुएशन को चेंज करती चली जाती हैं, तो ये अल्टरनेट वे पे जब चीजें आती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत करती है। जैसे ये अल्टरनेट है क्योंकि दो पलटा फिर चार पलटा फिर दो पलटा फिर चार पलटा, तो अब फिर दो पलटेगा, ऐसा नहीं कर सकते थे कि दो 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 पलटाते, सवाल आसान हो जाता, लेकिन फिर वो आप कर लेते ना, तो मैं जो पेपर वाले चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप सवाल ना कर पाए, तो वो कठिन बनाते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जरा इसको करके देखो। छोटे छोटे से फिगर हैं, छोटे छोटे से फिगर हैं, करके देखो। देखिए ये एक तो ये वीडियो है और आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, तो प्लीज मेरा अभी यहां पर टाइम वेस्ट ना करें। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा मेरे को बोल देंगे, मैं क्लास के बाद में समझा दूंगा आपको। चलो इसको करने की कोशिश करो। संतोष नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं, आ जाएगा। इसको करने की कोशिश करो। ये है नॉन वर्बल के सीजीएल के क्वेश्चन, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो करो पोजीशन में कितना चेंज आया है। कुल मिला के यही है जो है इस सवाल में, जो है वो यही है, और ये यहां पर थे फिर वहां से उठ के यहां आ गए, इसका मतलब ये जो यहां था वो यहां आ गया है। और एक बात ध्यान रखना, पॉइंट में हमेशा आप आधी भुजा को ही गिनेंगे। किसको गिनेंगे? आधी भुजा को, क्योंकि अगर ये बीच वगैरह में चला जाता है इसका मतलब ये पॉइंट में ले रहा है, आधी भुजा यानी हाफ साइड लेंगे, तो इसका मतलब है इसने अपने आप को खिसकाया। नंबर एक, इस पॉइंट पर आता तो एक नंबर एक पॉइंट चलता, यानी कि एक कदम चलता हमारे हिसाब से, इस पॉइंट पे आया तो मतलब दो कदम चला, इसका मतलब यह है कि ये यहां से एक और दो कदम चला। अभी बाद में देखेंगे इसने अपनी क्या सिचुएशन चेंज की है, फिलहाल अभी हम ये बात कर रहे हैं। अब देखिए ये यहां से उठ के यहां से यहां से यहां होते हुए यहां पहुंच गया है ना, यहां पे था और यहां से होते हुए ये यहां पहुंच गया। अब यहां से होते हुए इसने पॉइंट कितने पॉइंट चले होंगे? एक नंबर यहां चला होगा भाई, यहां से यहां पहुंचा होगा तो एक पॉइंट, फिर दो पॉइंट और फिर तीन पॉइंट। तो दोस्तों ये कर क्या रहा है, ये पहले दो पॉइंट चलता है, फिर अपने आप को तीन पॉइंट खिसकाता है, और फिर देखिए यहां से कितना जाता है, यहां से ये यहां पहुंचा है, यहां से यानी एक पॉइंट और फिर ये दो पॉइंट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गया, ये यहां से चलना शुरू हुआ यहां पहुंचा, फिर यहां से चलना शुरू हुआ यहां पहुंचा, तो यहां से देखिए इसने कितने पॉइंट लिए, एक पॉइंट और फिर ये कितने पॉइंट लिए, दो पॉइंट है ना जी, ये दो पॉइंट लिए इसने, क्लियर है ना ये इतनी बात, तो दो पॉइंट। अब ये समझ में आ रहा है कि यार एक बार ये दो चलता है, फिर उसके बाद ये तीन चलता है, फिर इसके बाद यहां पे भी ये दो चला है, और फिर इसके बाद यहां से ये तीन चल गया है, कैसे?
एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट ये यहां पहुंच गया है ना, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये उसके बाद फिर आएगा एक और यहां पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा दो, इसके बाद ये कितना पॉइंट चलेगा, ये दो पॉइंट चलेगा भाई। अभी कितना चल गया है, अभी एक दो तीन चल गया है, तो अब इसके बाद एक दो यानी कि यहां पहुंचना चाहिए, और यहां पर अगर देखा जाए तो दो ही फिगर है, एक तो ये है और एक तो ये है, ये दो ऑप्शन ठीक नहीं है। ये समझ में आया क्यों? देखो सबसे पहले वो चलता है एक दो पॉइंट, तो दो पॉइंट पे आ गया, फिर उसके बाद एक दो तीन पॉइंट यानी कि एक दो तीन पॉइंट यहां पहुंचा, फिर उसके बाद वो चलता है इस जगह से एक और दो पॉइंट, तो एक और दो पॉइंट यानी अल्टरनेट चल रहा है, पहले वो दो पॉइंट चलता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ACW, फिर तीन पॉइंट चलता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर दो पॉइंट चलता है, फिर तीन पॉइंट चलता है, और ऐसे ही क्रम में चलता जा रहा है, तो तीन के बाद दो। तो अब जब वो यहां था, इससे पहले वो तीन चल के आया था एक दो तीन, तो अब उसे कितना चलने थे एक दो, तो दो ही चीज है आपके पास, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब मामला ये है कि होगा कौन सा। फिलहाल देखिए जब ये आता है नीचे की ओर तो ये अपने आप को ऐसे रोटेट करता है 90 डिग्री भाई, अगर हम देखें तो ये ऐसा है, और ऐसा होने के बाद अब ऐसा हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी लाइन थी तो अब कैसी लाइन हो गई ऐसी, तो ये अपने आप को रोटेट कर रहा है 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसने अपने आप को ऐसे घुमा लिया। फिर से समझ लें, ये ऐसा था और इसने अपने आप को ऐसा घुमा लिया, इसका मतलब ये ऐसे था और ऐसा हो गया, तो इसने अपने आप को कैसा घुमाया 90 डिग्री घुमाया ना। फिर इसके बाद देखो फिर यहां से जाता है, फिर आगे जाता है, तो आगे यहां पे कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है इसमें, यहां पर ये इसको नीचे हो जाना चाहिए था। फिलहाल चलते हैं, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसने अपने आप को ऐसे घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे घुमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहां से गया तो फिर इसने अपने आप को इधर की ओर रोटेट कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे हो गया, और फिर आप देखिए यहां से एक दो तीन तीसरे नंबर पे आया, नीचे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, और अगर अगर अपने आप को ये रोटेट करेगा तो देखिए उसमें सबसे पहली बात यह कि आपका जो क्रॉस वाला पार्ट है वो किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, तो देन द राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्रॉस वाला पार्ट कैसा हो जाना चाहिए, नीचे हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से। क्लियर हुआ, समझ में आया, चले आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये आसान है। हाँ बेटा कभी कभी कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए आप इसके बारे में बात करें, ये आंसर करें इसके बारे में, इसके बारे में आंसर करें। हाँ जी सारे टाइप करा देंगे आपको, इसके बारे में बात करें। चलो देखो फिलहाल देखते हैं हम, ये पॉइंट यहां पर है, फिर उसके बाद ये जो है ये इधर आ गया, आप देख पा रहे हो, मैं पेन बदल देता हूं, ये पॉइंट आपका यहां पर है, फिर उसके बाद ये यहां आ गया, फिर उसके बाद ये यहां आ गया, और फिर उसके बाद ये यहां आ गया, और फिर उसके बाद ये यहां आ गया, पक्का रोटेशन है, ऐसे रोटेट हो रहा है पक्का, ऐसे कितना रोटेट हो रहा है ये समझना पड़ेगा। जैसे यहां से चले तो ये आएगा एक नंबर पे, भाई एक नंबर है, यहां इस स्थान पे था, यहां से आया तो कितना चला, एक कदम ही तो चला, फिर उसके बाद ये कितना चलेगा, इस जगह से चलेगा एक और दो कदम, तो ये हो जाएगा दो कदम चल गया, फिर उसके बाद देखें तो एक कदम दो कदम और तीन कदम, तो यहां पर ये कितना चला, तीन कदम चला, अब कितना चला है, यहां पे था, यहां से यहां पहुंच गया, तो एक कदम दो कदम तीन कदम और चार कदम, अब चला चार कदम, तो अब कितना चलेगा, अब चलेगा पांच कदम। अब देखो यहां से चला एक कदम एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से इस जगह था, यहां से दो कदम चला, दो कदम एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से तीन कदम एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से चार कदम एंटी क्लॉकवाइज, तो अब कितना चलेगा, इसके बाद पांच कदम चलना चाहिए, अगर यहां से पांच कदम चलेंगे तो एक दो तीन चार पांच, तो यहां कहीं आना चाहिए। अब यहां वाला कौन सा फिगर है, देखिए यहां वाला ये भी है, यहां वाला ये भी है, ये तो नहीं होगा, लेकिन यहां वाला ये भी है। अब हमें देखना है कि बारी किसकी है, देखिए डॉट आता है, डॉट आता है तो उसके बाद ये आर्क आता है ऐसे, फिर उसके बाद एरो आता है, फिर उसके बाद क्या आता है एरो, फिर डॉट आ जाता है, फिर आर्क आ जाता है, तो अब बारी किसकी है, एरो की, देन द राइट आंसर विल बी फोर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब एरो की बारी है और ये इनकी बारी नहीं है, बारी किसकी थी, एरो की, फोर वाला होगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, हाँ जी ठीक। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करो, अगर आप करोगे मन से इसे देखोगे तो अच्छे लगेंगे क्वेश्चन, आपको अच्छे लगेंगे, फटाफट से करो, मैं हट जाऊं थोड़ा सा, अभी देख लो। चलो
देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, अब बारी किसकी है ये आपको बताना। आपने नहीं देखा लेकिन आते हैं बेटा, आपने सीरीज देखी होगी। ये क्वेश्चन करो भाई, ये देखो। चलो मैं बताता हूं, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, ये है लॉजिक नंबर ऑफ लाइंस का। सारे टाइप करा रहा हूं एक एक तरीके, अभी प्रैक्टिस करा दूंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तो आप टाइप देख लो, ये है एक लाइन, दो लाइनें हैं, मतलब एक लाइन फिर दो लाइन। यहां पर देखो कितनी लाइन हो गई, ये दोनों तो थी, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन, यहां पर एक दो तीन चार पांच लाइन बढ़ गई। कितनी लाइन बढ़ गई, पांच लाइनें बढ़ गई हैं। चलो समझते हैं, जैसे हमारे पास ये फिगर है, अब देखिए अगले में क्या परिवर्तन आया है। अगले में ये तो है तो ये तो है, ये तीन लाइनें हैं, ये तीन लाइनें भी हैं, लेकिन ये एक लाइन है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन, इसमें भी कितनी लाइनें बढ़ गई, पांच लाइन बढ़ गई। तो एक्चुअल में लॉजिक ये है कि इसमें हर फिगर में पांच लाइन बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप देखोगे कि ये है ये है ये है ये है ये है ये है, लेकिन ये नया आया तो ये चतुर्भुज है जिसमें कितनी लाइनें होंगी, चार, और एक लाइन ऐसे बना दी तो चार और कितनी हो गई, पांच। ये जी समझ में आई, आगे चलते हैं। अब इसमें इसमें भी पांच लाइनें पड़ जाएंगी, कैसे, आप देखोगे कि एक दो तीन और चार पांच, ये पांच लाइनें पड़ गई जबकि ये वाली लाइन आपकी पहले से ही मौजूद है। तो एक दो तीन, ये तीन लाइन यहां पड़ी और एक दो तीन और दो कितनी हो गई, पांच लाइन बढ़ गई। अब आपको यहां से पांच लाइन और बढ़ानी होगी। तो फिलहाल देखो इतना फिगर तो आपके पास है, इसमें से पांच लाइन और बढ़ानी होगी, कौन सा फिगर बनाए फिर पहले समझते हैं। देखिए ये तो है हमारे पास, तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है, एकदम एज इट इज है। इसको देखें तो यहां पर ये लाइनें पहले से हमारे पास मौजूद थी, ये वाली दो लाइनें हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और पांच नंबर, बाकी सब वही है। तो यहां पर भी पांच लाइनें बढ़ रही हैं, और देख ले किसी ऑप्शन में ऐसा तो नहीं हो रहा है, इस ऑप्शन में भी ऐसा हो रहा है लेकिन ये लाइन ऊपर से आई है जबकि हमारी जो भी लाइन आती है इसके बाद वो नीचे से आती है। देखिए ये ऐसा था, ऐसे से ये हुआ, यानी कि जब ये लाइन बनती है तो उसके बाद ये ऐसे लाइनें अरेंज होती हैं, नीचे की साइड से अरेंज होती हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा पांचवा, बाकी सभी में इसका इस तरह का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा चौथा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सवाल। देखिए तीसरा क्यों नहीं होगा फिर से समझ लीजिए, आप इसका पैटर्न नहीं गलत कर सकते। पैटर्न में क्या है, ये लाइन थी, अगली लाइन कैसी बनी है, नीचे की ओर से। अगर ये पैटर्न ऐसा बन गया होता ऐसा, तब हम चौथा ले लेते, सॉरी तब हम तीसरा ले लेते, लेकिन अभी हम तीसरा नहीं ले पाएंगे क्योंकि पैटर्न के मुताबिक ठीक नहीं है। क्लियर हुआ, अगला सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। करो, अगली सीरीज क्या होनी चाहिए, अगली सीरीज क्या होनी चाहिए, बताओ आंसर बताओ। बिल्कुल, मैं मुझे ये खत्म करा ले दीजिए, आपने अगर वीडियो शुरू से नहीं देखा तो आपको मैंने सब बता दिया, मैं वर्बल कब कराऊंगा नॉन वर्बल कब कराऊंगा सब आपको मैंने बता दिया भाई। चलो शुरू करो भाई, आंसर करना शुरू करो। ये समझ में आ गया आपको, चलो इसको देखो, आ गया लॉजिक समझ में आ रहा है इसका। इसमें भी वही है, इसमें देखिए जब भी इस तरह के फिगर बने हो ना, टाइल्स वाले, ये टाइल्स ऐसे हमारे घर पे लगे हुए हैं, तो ऐसे टाइल्स वाले कभी फिगर बने हो तो उसमें वही गड़बड़ होता है कि वो हमेशा इन्वर्ट कर देता है, अपने आप को इन्वर्ट कर रहे हैं। देखना गौर से, इस फिगर और इस फिगर को तुलना करो, ये जैसे हैं वैसे हैं, ये जैसे हैं वैसे हैं, ये जैसे हैं वैसे हैं, ये जैसे हैं और ये भी वैसे हैं, मतलब यहां पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहां पर आया है, इस वाले ने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया है। यानी कितने आकृतियों ने, कितने आर्क ने अपने आप को इन्वर्ट किया है, केवल एक ने। फिर अगर हम इससे यहां पर जाएं, तो इससे यहां पर जाएं तो देखिए अब यहां पर ये तो सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी, ये नहीं सेम टू सेम है, ये अंदर था ये बाहर की ओर हो गया, मतलब ये बदला और ये बदला। तो अब कितने लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया है, दो लोगों ने चेंज कर लिया है, दो लोगों ने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसमें यही लॉजिक होता है, इसमें रोटेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। देखिए अब यहां की बात करें तो ये तो सेम टू सेम है, नहीं सॉरी, इसने अपने आप को चेंज कर लिया, ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, लेकिन इसने अपने आप को बदल लिया। तो एक दो तीन, इन्होंने कितने लोगों ने बदल लिया अपने आप को, तीन लोगों ने बदल लिया। देखिए ये सब इधर, ये अंदर, ये बाहर की ओर था अंदर की ओर हो गया, ये अंदर की ओर था ये बाहर की ओर हो गया, ये नीचे की ओर था ये ऊपर की ओर हो गया, तो कितने लोगों ने चेंज कर लिया, तीन लोगों ने। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, अब अगर हम लोग देखें तो गौर से, ये सेम टू सेम है, सबको मैच कराओ, ये बदल गया, ये क्या हो गया, बदल गया, तो ये बदल गया, ये अंदर की ओर है तो ये भी आपका, ये अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है,
ये अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, और ये देखो तो ये भी आपका कैसा है, ये भी वैसा ही। यानी कितने लोगों ने अपने आपको चेंज किया, केवल एक लोगों ने। तो दोस्तों पैटर्न ये है कि यहां पर चेंज किया था तीन लोगों ने, एक लोग चेंज होते हैं, फिर दो लोग चेंज होते हैं, फिर तीन लोग चेंज होते हैं, फिर एक चेंज होता है। मतलब एक इन्वर्जन, फिर दो इन्वर्जन, फिर तीन इन्वर्जन, फिर एक इन्वर्जन, फिर दो इन्वर्जन और फिर तीन इन्वर्जन, इस तरह से ये सीरीज जाएगी, इस तरह से ये सीरीज जाएगी। तो जो सही आंसर होना चाहिए, अब आपने देखो इन्होंने, अब आपको इस फिगर पर कंपैरिजन करना होगा। यहां से दो लोग इन्वर्ट करेंगे, अभी हाल ही में इसने अपने आपको इन्वर्ट किया है, तो अब ये दो लोग अपने आपको इन्वर्ट करेंगे। और देखिए ये दो लोग किस वाले में इन्वर्ट कर रहे हैं, आप देखो ये मैच कराओ, ये वाला और वो वाला मैच कराओ, एकदम मैच कर रहा है। फिर ये वाला और वो वाला मैच कराओ, एकदम मैच कर रहा है। फिर ये वाला और वो वाला मैच कराओ, एकदम मैच कर रहा है। लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहां पर इन्वर्जन कितना हुआ, दो। और जाहिर सी बात है कि एक इन्वर्जन यानी कि एक के परिवर्तन के बाद कितने का परिवर्तन होना था, दो का, तो दो का ही परिवर्तन होगा। तो जो सही आंसर है, बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, मैंने देख लिया कमेंट में, तो वो सही आंसर हो जाएगा एक नंबर। क्लियर हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, जरा देख लेना इसमें कोई गलती वगैरह ना हो, और आराम से करिएगा इस क्वेश्चन को। फिलहाल देखते हैं कैसे कितने लोग कर पाते हैं इसको। इसमें दो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर देखिए एरो नीचे की ओर है, यहां एरो ऐसा हो गया, यानी एरो पहले नीचे की ओर था फिर ऐसा हो गया। इसका मतलब उसने अपने आप को 90 डिग्री, यहां रोटेशन वाला सवाल है, क्लॉकवाइज रोटेट किया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, रोटेट किया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। फिर उसने जब ये ऐसा था, जब ये ऐसा था, इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं, जब ये ऐसा था फिर इसने अपने आपको ऐसे रोटेट किया, यानी इसने अपने आपको 45 डिग्री रोटेट किया है। और फिर अगर आप गौर से देखोगे तो ये एरो ऐसा था और ऐसा हो गया, यानी इसने अपने आपको कितना रोटेट किया, इसने अपने आपको 90 डिग्री रोटेट किया। और फिर आप देखो ये एरो ऐसा था और अब ऐसा हो गया, यानी इसने अपने आपको कितना रोटेट किया, 45 डिग्री रोटेट किया। तो अगर आप एरो वाली केस को पूरा समझ सको तो उससे भी आंसर आप पा जाओगे, कैसे यहां से यहां पहुंचे यानी कि 90 डिग्री रोटेशन, फिर यहां से यहां पहुंचे यानी कि 45 डिग्री रोटेशन, फिर यहां से यहां पहुंचे यानी कि 90 डिग्री रोटेशन। तो एक बार 90 डिग्री रोटेशन है, एक बार 45 डिग्री रोटेशन है, एक बार 90 डिग्री रोटेशन है, एक बार 40। तो अभी अभी इसने कौन सा रोटेशन लिया है, 45। तो अब कितने का लेगा, अब ये लेगा 90 डिग्री रोटेशन, यानी कि ये अभी इस तरफ है, तो अब किधर जाएगा, अब ये जाएगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर देखिए कौन कौन से फिगर में है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन अभी भी हैं जिनमें ये नीचे की ओर है, तो हमें ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। अब हमें नीचे की ओर देखना है कि कौन सा सही होगा। बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो फिलहाल बात कर लेते हैं जल्दी से, अभी हमको ये देखनी पड़ेगी, ये जो कील अंदर लगी हुई है, जो हुक टाइप का लगा हुआ है, वो हुक देखना पड़ेगा कि उसका क्या रोटेशन है। अब हमको ये पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि दोनों सेम है। फिलहाल देखिए ये ऐसी थी, ऐसे हो गई, यानी इसने 45 डिग्री रोटेशन लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। फिर ये ऐसे है और अगले फिगर में ऐसे हो गई है, मतलब इसने 90 डिग्री रोटेशन लिया इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसके बाद ये ऐसे थी और ऐसे हो गई, यानी कि इसने अपने आप को रोटेशन लिया 45 डिग्री। तो इसका भी दोस्तों ऐसा ही चल रहा है, 90 45 90 90 45 90 45। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके बाद 45 के बाद ये ऐसे हो गई, यानी इसने कितना रोटेशन ले लिया, 90 डिग्री रोटेशन ले लिया, तो ये हो गई। अब 90 के बाद ये कितना रोटेशन लेगी, 45, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे। तो ये आपका सही फिगर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, क्योंकि ये ऐसे थी 45 डिग्री, क्योंकि 90 लेके आई है तो 45 डिग्री लेगी, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो इस ऐसी है तो ऐसे हो जाएगी, देन द राइट आंसर आपका थर्ड नंबर, ये आपका सही नहीं है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, एरो सेंटर से टच होना चाहिए, हो जाता तो आसान हो जाता थोड़ा सा। सेकेंड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बात करो भाई, इस क्वेश्चन के बारे में बात करो, थोड़ा अच्छे से करना, प्रॉपर तरीके से, अच्छे से समझ के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन ये कि कैसे करना है, इसके बारे में कौन सा आंसर आना चाहिए। आप देखिए इसमें क्या रोटेशन हो रहा है, इसमें क्या चीजें चेंज हो रही हैं, कोई नया सिंबल नहीं आया, वही सिंबल बार बार एक सिचुएशन पे चेंज होते चले जा रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो फिलहाल ये पाएंगे कि ये पॉइंट, ये चीज इधर चली गई है, और इसको हम लोग कहते हैं सिचुएशन चेंज। ये जो लॉजिक होता है इसको बोलते हैं सिचुएशन चेंज हो जा रही है, आपके जो चीजें हैं वो इधर चली जा रही हैं, ये इधर जा रही है। और फिर आप देखिए ये जो ट्रायंगल यहां था ये उठ के यहां आ गया है, ये ट्रायंगल उठ के यहां आ गया है, और ये जो क्रॉस है ये उठ के यहां आ गया है, और ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये पूरा इधर की ओर गया है, फिर ये इधर की ओर गया है। तो आप इस तरह से थोड़ा समझ सकते हैं कि ये चीज अगला फिगर कैसा बना होगा। अगले फिगर में देखिए यही चीज बनाई है, ये चीज यहां आनी चाहिए, बिल्कुल आई है, ये वाली चीज उठ के यहां आनी चाहिए, ये वाली चीज बिल्कुल उठ के यहां आई है, और ये वाला पॉइंट उठ के कहां गया है, ये वाला पॉइंट उठ के यहां जाना चाहिए और ये यहां जाना चाहिए,
है ना। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहां पे जो है ये इक्वल यहां पर आ गया है, इक्वल के बाद ये क्वेश्चन मार्क वहां पहुंच गया है, क्वेश्चन मार्क यहां पहुंच गया है। फिर आप देख पा रहे होंगे ये उठ के पूरा स्क्वायर है वो यहां आ गया, स्क्वायर उठ के यहां आ गया है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाता है। तो ये जो आप ट्रायंगल यहां पे था, ट्रायंगल घुस के यहां पे हो गया, यानी ट्रायंगल उठ के वहां पर हो गया। ठीक है, तो लॉजिक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहां पे शुरू करते हैं। अब फिर से देखते हैं इसको, आपके इक्वल को इधर ले आए, इसको उठा के यहां ले जाए, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो मैं आखिरी फिगर में चला जाता हूं, बिल्कुल वही काम करते हैं, क्योंकि यही हो ही रहा है वहां पे। ट्रायंगल आपका यहां आ जाएगा, यहां पे ट्रायंगल होना चाहिए, यहां पे ट्रायंगल होना चाहिए, दो फिगर में है, एक में नहीं है। ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल आपका यहां होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो स्क्वायर है आपका, ये जाता है वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टली जाता है, मतलब ये इस पोजीशन पे आना चाहिए, स्क्वायर उठ के यहां आना चाहिए, इसको यहां आना चाहिए, किसमें है? इसमें। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, बाकी सब वैसा ही है। ये पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज होती चली जा रही है और इस तरह से आंसर होगा, सेकंड विल बी द करेक्ट। क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पर चले, इसको बारे में आंसर करिए, इसको देख के आंसर करिए। ये आपने देखा, ये भी टाइल्स के फॉर्म में है, वैसे ही मतलब इसमें भी इन्वर्जन चल रहा होगा, तो ये बिल्कुल होगा। यहां पर आपको इन्वर्जन के बारे में बात करना है और इसको देखना है अच्छे से। ठीक है, चलो बताओ यहां पर भी आपको क्या करना होगा, फिर से आराम से समझिएगा, और मैंने आपको इसके लॉजिक बता दिए। अब आपको जानते समझ में आएगा कि जब इस तरह का सवाल आता है तो इसमें यही होता है। इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्जन चल रहा होगा। देखो क्या इन्वर्जन हो रहा है, गौर से देखिए, ये जैसा है वैसा नहीं रहा, ये जैसा था वैसा नहीं रहा, ये पलट गया है, बाकी एज इट इज है। देखो बाकी पूरा फिगर एज इट इज है, जैसा था वैसा ही है, यानी यहां पर इन्वर्जन हुआ एक का। आगे चलते हैं, ये जैसा था वैसा ही है, ये जैसा था, ये क्या हो गया, ये पलट गया, अब की बार ये पलट गया है दोस्तों, ये पलट गया, जबकि ये जैसा है वैसा है, ये जैसा है वैसा है, ये जैसा, तो यहां पर भी एक का इन्वर्जन हुआ। और आगे जाते हैं, यहां पर देखें आप, तो यहां पर आप देखेंगे ये जैसा था वैसा है, ये जैसा था वैसा है, लेकिन ये बाहर की ओर था, ये अंदर की ओर हो गया, मतलब अब की बार इसमें इन्वर्जन हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले इसमें इन्वर्जन हुआ है, फिर इसमें इन्वर्जन हुआ है, और फिर इसमें इन्वर्जन हुआ है, अब बारी थी किसमें इन्वर्जन होने की। अब देखिए, अब इसमें इन्वर्जन हो गया, अब किसमें इन्वर्जन हो गया, सॉरी दूसरे वाले में, अब इसमें इन्वर्जन हो गया। थोड़ा बहुत एक ही जैसा दिखता है तो देखने में भी दिक्कत होने लगती है, तो अब इसमें इन्वर्जन हो गया, और जैसे ही इसमें इन्वर्जन हुआ तो अब जो बारी होगी, अब ये ऐसे एज इट इज बना रहेगा, उसमें इन्वर्जन हो जाएगा, और जैसे उसमें इन्वर्जन हो जाएगा, देन द राइट आंसर विल बी, क्योंकि देखिए ये जैसा है वैसा है, 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 जबकि इसमें इन्वर्जन हो गया, ये बाहर की, दोस्तों ये अंदर की ओर था, ये बाहर की ओर चला गया, देन द राइट आंसर विल बी वन। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में आंसर करिए। ये भी है आपका, इसको बोलते हैं न्यू सिंबल एंट्रेंस, न्यू सिंबल एंट्रेंस, ये लॉजिक है न्यू सिंबल एंट्रेंस, यानी कि नया सिंबल एंट्रेंस करता है, और ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नया सिंबल कैसे एंट्रेंस करता है, और यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज वाले जैसी क्लास चल रही वैसे ही कल की भी क्लास चलेगी, थोड़ा सा इसको देखना होगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में, आप केवल क्या करो, जासूस विजय बनो थोड़ा सा, और जासूस विजय बन के देखो कि किसके साथ क्या चेंजमेंट हो रहे हैं और क्या नया चीज हो रही है, कैसे कैसे बदलता है। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां पर इक्वल था, ये क्रॉस था, फिर ये सर्किल था, फिर ट्रायंगल था, अब क्या हुआ अगले फिगर में, क्या हुआ अगले फिगर में, ये पूरा का पूरा ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल हमारा बाहर हो गया, और एक चीज नीचे खिसक गई, ये जो इक्वल है वो यहां आ गया, जो क्रॉस था वो यहां आ गया, जो सर्किल था वो यहां आ गया, है ना, और एक नया सिंबल एंट्रेंस कर गया, जो लॉजिक में आपको बता रहा था, नया सिंबल का एंट्रेंस हो गया, यहां पर नई सिंबल आ गई। और फिर देखो आगे क्या होती है, आगे ये सर्किल बाहर हो जाता है, ये क्रॉस नीचे आ जाता है, इस इक्वल और नीचे आ जाता है, ये सी और नीचे आ जाता है, एक नया सिंबल ये आ जाता है ना, सही चल रहा है यहां तक। तो अब हमें पता है कि हमको इसको नीचे लेके जाना होगा, ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो सी बाहर हो जाना चाहिए। अब जिसमें भी सी है वो काट दो, सी बाहर हो गया है तो सी का बिल्कुल यूज नहीं है, सी तो वाले काट दो। फिर उसके बाद ये स्क्वायर इसकी जगह लेगा, मतलब यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर एरो होना चाहिए, और यहां पर प्लस होना चाहिए। ये देखो किस फिगर में है, प्लस के बाद एरो फिर स्क्वायर, प्लस के बाद एरो फिर स्क्वायर, यही है। बाकी ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, और नया सिंबल हमारा क्या आ गया, ये गामा या वाई, आप जो भी बोलना चाहो, तो ये नया सिंबल आ गया, देन द फोर्थ विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, एक और कर लेते हैं आज हम लोग, ये दिखाओ, ये बड़ा अच्छा है, ये जूजू बन रहा है, जूजू, ये वो वोडाफोन वाले जूजू नहीं आते थे, वो बन रहा है ये। तो यहां पर एक गोला है, फिर एक और गोला है,
फिर गोले की मूछें निकलती हैं, एक मूछ उधर निकलती है, फिर एक मूछ इधर निकलती है, फिर उसके बाद डॉट लगता है, फिर उसके बाद क्या होना है ये बताओ। ये हो रहा है, इंक्रीजिंग भी जा रहा है कुछ ना कुछ। आदित्य मिश्रा आपका नाम ले लिया, ठीक है, चलो भाई बहुत गर्मी लग रही है, बताओ। चलो आ गया होगा, नहीं आया, चलो शुरू करते हैं। ये गोला है, फिर ये एक सर्किल है, फिर एक सर्किल है उसमें इस तरफ मूछ निकलती है, फिर एक और नीचे की ओर मूछ निकलती है, फिर एक डॉट बनता है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन इलिमिनेट करने पड़ेंगे। ऑप्शन इलिमिनेट करने का मतलब क्या है, क्या हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार में केवल एक आइटम आना चाहिए। यहां पर दो दो आइटम आ गए, पूंछ भी आ गई और डॉट भी आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। अभी यहां पर एक आइटम आना चाहिए, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पूंछ आ गई है और इसमें आगे सूंड भी आ गई, तो ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। दो आइटम एक साथ नहीं आ सकते, एक आइटम आ सकता है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों में से सही कौन है, तो पैटर्न पे जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ऊपर जाने वाली पूंछ आती है, तो सबसे पहले ऊपर जाने वाला ही सही होगा, देन द पैटर्न के मुताबिक ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। गलत ये भी नहीं है, लेकिन 100% श्योर वही सही आंसर है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये नीचे की ओर आया है और यहां पैटर्न ऊपर की ओर था, इसलिए मैंने ये पैटर्न ऊपर क्यों ले ली। देन द राइट आंसर विल बी 4। क्लियर हो गया, अभी क्लियर होगा, ठीक है, और चलते हैं आगे। आज थोड़ा कम समझ में आया होगा, कल और ज्यादा समझ में आएगा, कल और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको आसान लगने लगा, अब आपको दिमाग में बैठ गया कि आपको करना क्या है। ये सबसे बड़ी बात होती है, देखिए नॉन वर्बल के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात ही यही है। चलो शुरू करो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, इसको आंसर करो। चलो ये देखो, ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये, एक चीज तो कंफर्म है, ये जो खाली स्थान है ये घूम रहा है, पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है और फिर इधर है, तो अब किधर होगा? अब इधर होना चाहिए। अरे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तीनों के सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि खाली स्थान यानी कि जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो मेरे को यहीं चाहिए, वो मेरे को कहां चाहिए? वहीं पर चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो, ये अंदर की ओर था, रोटेट किया लेकिन पलट गया, ये जो एरो अंदर की ओर है, यहां पर ये एरो बाहर की ओर है, यहां पर ये जो कील है ये भी थोड़ा सा आप यहां पर सही कर लीजिएगा, ये भी अंदर की ओर ऐसे पलट जाएगी, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे पलटी होगी, ये थोड़ा सही कर लेना फिगर में, ये अंदर की ओर पलट जाएगी और ये अंदर की ओर है तो ये भी क्या हो गई? बाहर की ओर हो गई। तो इस तरीके से आपको बताना है कि अब क्या होने वाला है, इसी तरह से आगे जाएंगे। देखिए सर्किल हो गया, तो अभी आप देखो कि इसमें एरो अंदर की ओर है, तो वो फिगर सही होगा जिसमें एरो बाहर की ओर है, तो तीसरा, अब चौथा गलत हो गया। देखो इसमें एरो अंदर की ओर है, इसका मतलब अब वो फिगर सही होगा जिसमें एरो बाहर की ओर, अल्टरनेट चल रहा है, एक बार एरो अंदर है, फिर एक बार बाहर है, फिर एक बार अंदर है, फिर एक बार बाहर है, तो यहां पे तो अंदर की ओर है ना, तो अब जो वो सही होगा जो एरो बाहर की ओर लेके आएगा। अब बाहर की ओर कौन सा लेके आ रहा है? ये वाला लेके आ रहा है और ये वाला। अभी भी हमको थोड़ा सा और शंका है कि हमको क्या करना होगा, फिलहाल देखते हैं। देखिए इसमें जो ये कील है ये बाहर की ओर है, तो अगर ये पलटेगी तो ये अंदर की ओर आ जाएगी, अंदर की ओर आ जाएगी तो केवल इसी में आएगा, क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज हो रही है अल्टरनेट, जो चीज अंदर की ओर होती है वो बाहर की ओर चली जाती है, जो चीज बाहर की ओर होती है वो अंदर की ओर चली जाती है। इसको भी थोड़ा सही कर लेना, ये भी अंदर की ओर जाएगी यहां पर, अब थोड़ा सही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाहर की ओर आ गया, एरो भी बाहर की ओर हो गया, कील जबकि अंदर की ओर चली गई। फिर अगली बार देखोगे तो ये कील बाहर की ओर आ जाएगी, फिर अगली बार ये कील अंदर की ओर जाएगी। फिगर में थोड़ी सी गलती थी, अभी सही हो गया, सेकंड विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल ऐसे ही बने रहेंगे, आप वर्बल की चिंता ना करिए, ये रीजनिंग तब तक चलेगी जब तक कि आपकी पूरी रीजनिंग बेसिक तो एडवांस खत्म नहीं हो जाती। कल भी बने रहिएगा, ऐसे ही और अच्छे सवाल हम लोग करेंगे। अभी भी कल मैं कंटिन्यू करूंगा सीरीज, जिन लोगों ने वीडियो शुरू से नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो शुरू से देख लीजिए, वहां पर मैंने बता दिया है कि कैसे मैं नॉन वर्बल को लेकर जाने वाला हूं, कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं। आप चाहे बैंक का एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का दीजिएगा, चाहे सीजीएल का दीजिएगा, इवन कैट का भी देंगे, तो नॉर्मल ये नॉन वर्बल वाला पार्ट आप करके आओगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।